हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने मेरे फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने खीरगंगा ट्रैक 2 बजे स्टार्ट करा था और 5 बजे के करीब हम रुद्रप्रयाग वाटरफॉल पहुंचे थे, जहां से आधा ट्रैक हमारा ख़त्म हो जाता है। और आगे की वीडियो देखें कि हमारा आगे का ट्रैक का एक्सपीरियंस कैसा था। तो गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। बिकॉज अक्टूबर का मंथ था, तो मोस्टली 7 बजे अंधेरा अक्टूबर में हो जाता है। तो जैसे कि आप आगे वीडियो में देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 6:30 बज चुके थे और हमने किसी से पूछा था, वो अभी भी बोल रहे थे कि 1 घंटा आपको अभी और लगेगा ऊपर। और हमें पता था कि हमें रात को ही चलना पड़ेगा। तो गाइस, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने त्रिवेणी ट्रैक करा हुआ है रात को, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था चलने का, लेकिन बाकी लोगों को फर्स्ट टाइम था। तो गाइस, अगर आप भी ट्रैक करने का सोच रहे हो तो हमारे जैसी गलती आप कभी मत करना। अब 10-11 बजे मॉर्निंग में अपना ट्रैक स्टार्ट कर लेना ताकि आप 5-6 बजे तक ऊपर पहुंच जाओ। तो गाइस, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में एक लड़का था जो जिसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके पैरों में थोड़े से मसल पुल हो रहा था, जिसकी वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हमें रुक रुक के जाना पड़ रहा था और सभी बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी चल लो क्योंकि ऐसे जंगल में रात को पैदल चलना सेफ़ नहीं है। तो गाइस, हम ऐसे ही चलते रहे और आई थिंक हम 7:30 बजे ऐसे ही हम खीरगंगा पहुंच गए थे। और आप देख सकते हो कि ये खीरगंगा का टॉप है। तो जब हम पहुंचे थे तो हमें बहुत ही सुकून महसूस हुआ था क्योंकि हमने एक बड़ी गलती करी थी जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता था। तो गाइस, ये खीरगंगा का टॉप है, आप देख सकते हो और आपको कैसे लगता है। तो गाइस, सबसे पहले हम ऊपर पहुंच के हमने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करी थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। आई थिंक टेम्परेचर होगा 3 या 4 डिग्री होगा टेम्परेचर।
की गहराई से गहरा है।